22 जनवरी को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसे लेकर अयोध्या सहित पूरे भारतवर्ष में हर्ष का माहौल बना हुआ है और इसकी तैयारियां पूर्ण भी की जा चुकी है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब पूरी दुनिया इसे देखेगी तो किस तरह का असर देश और दुनिया पर पड़ेगा, इसे लेकर हमने विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे से की। साथ ही इन दिनों श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कुछ लोगों द्वारा पूरे शहर और जिले में चंदा उगाही की जा रही है, इस बात को लेकर भी हमने चर्चा की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आप भी सुनिए क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे। एशियन न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार पुनः कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे जी हमारे साथ हैं और मुद्दा काफी गंभीर है। एक बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ संकेत हमें मिला है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसी उसी सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं? राजीव, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल भी ये जानना चाहेंगे कि 22 तारीख बहुत ही अच्छा दिन, एक दूसरी दिवाली हिंदुस्तान को मिलने वाली है, तो ये जो राम मंदिर जो बना है, जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन होने के बाद क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारतवासियों पे, भारतवर्ष के समाज पर, या इसमें और भी है कि विश्व पटल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बताइए। जी संतोष जी, थोड़ा सा सुधार करूंगा आपके शब्दों में। उद्घाटन नहीं है, वास्तविक रूप से भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होनी है उस मंदिर में। रामलला विराजमान सनातन मंदिर है, आदिकाल से वो भगवान राम के वो जन्मस्थली रही है होते हैं और वहाँ पर उनका मंदिर रहा है। एक समय में किसी आक्रांता ने उसे तोड़कर उसी जगह मस्जिद बना दी थी और उसके बाद सारे प्रकरण को आप जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उस मंदिर के लिए और आज वो सुखद घड़ी आई है कि 22 जनवरी को पुनः रामलला की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम के मंदिर में, अयोध्या में, उनकी जन्मस्थली में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, ये भारत या सनातन समाज के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, एशिया या पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भगवान राम क्या है, भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम के सिद्धांतों को, भगवान राम को जब दुनिया समझेगी तो भारत को दुनिया समझेगी, भारतीय संस्कृति को दुनिया समझेगी। भगवान राम ने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया, जो अपने आचरणों के द्वारा उस त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, उस चीज को दुनिया समझेगी। सबको मालूम है कि वो एक सम्राट थे, अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के वो सुपुत्र थे। वो साम्राज्यवादी युग जो भारत का था और जो भारतीय संस्कृति ने जो साम्राज्यवाद की व्यवस्था की थी और अन्य जो साम्राज्यवाद हुए, चाहे वो यूरोपियन देशों में हो, चाहे अरबियन देशों में हो, चाहे अफ्रीकन देशों में हो, उसके और भारत के साम्राज्यवाद के अंदर भारत की संस्कृति को समझने का अवसर संसार को मिलेगा। लोगों ने देखा है कि इसी इतिहास में भारत में या अन्य देशों में राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए पिता द्वारा, तो पुत्र द्वारा पिता को जेल में बंद कर दिया जाता है और अपने 7 भाइयों का कत्ल करके वो राजगद्दी प्राप्त करता है, ऐसे भी लोगों को देखा है और ऐसे कई उदाहरण हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना है, जिस दिन उनका राज तिलक होना है, उस दिन उनको पिता बुलाकर आदेश करते हैं कि आपको राजपाट छोड़कर वनगमन करना होगा और वो कोई प्रश्न नहीं करते, क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं, और एक बार में वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये जो त्याग है, ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। माता कैकेयी के आग्रह अनुसार राजा दशरथ भरत को राजपाट सौंपते हैं। जिसको राजपाट मिला है वो राम के पास जाता है और बोलता है आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, और उन चरण पादुका को रख देता है। 14 साल उनकी चरण पादुका से शासन चलाते हैं, लेकिन वो सत्ता का मोह बड़े भाई में नहीं है, सत्ता का मोह छोटे भाई में नहीं है, त्याग की साक्षात मूर्ति।
और वो साम्राज्यवाद का युग, वो काल जब कोई लिखित कानून नहीं होता था, जिस तरह की आज हमारा संविधान लिखित में है। आज आपके पास आईपीसी है, आज आपके पास सीपीसी है, सीआरपीसी है, सारे नियम लिखे हुए। वो युग ऐसा था कि राजा ने जो कह दिया, राजा का वचन जो है वो नियम होता था, वो कानून होता था। उस घोर साम्राज्यवादी युग में एक राजा ने लोकतांत्रिक दृष्टांत जनता के सामने प्रस्तुत किया। लोकतंत्र का पहला उद्भव अगर हुआ तो भगवान राम के शासन काल में हुआ कि जनता की एक आवाज पर अपनी प्राण प्रिय पत्नी को, जिसको पाने के लिए वो समुद्र लांघ कर लंका तक गए और त्रिलोक विजयी रावण को हराकर अपनी प्राण प्रिय सीता को लेकर अयोध्या आए, जनता के ये कहने पर कि वो राजमहल में रहने योग्य नहीं है, उस प्राण प्रिय पत्नी का वो त्याग कर देते हैं, तो जनता की बात को राजा से ऊपर मानते हुए लोकतंत्र की पहली स्थापना इधर किसने की, तो भगवान राम ने की। तो भगवान राम के इस चरित्र को जब दुनिया देखेगी तो भारत की संस्कृति को दुनिया समझेगी, भारत क्या है, सनातन क्या है, इसको दुनिया जानेगी। तो इसलिए हमारा गर्व का विषय है कि आज जिस प्रकार के अयोध्या को बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, आज जिस प्रकार से अयोध्या सजी है, जिस प्रकार से तैयार हुई है, सारे विश्व से अयोध्या को जोड़ दिया गया, सारे भारत से जोड़ दिया गया, दुनिया भर के जब लोग आएंगे और राम के चरित्र को जानेंगे और भारत की संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी तो अयोध्या राम मंदिर की होगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, बड़े फर्ज का विषय है। और वो दिन 22 जनवरी का किसी भी दिवाली से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पिछली कई पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। मेरे से पहले की दो पीढ़ी पहले वाले लोगों ने एक सोमनाथ के मंदिर को बनते देखा, लेकिन हमने कभी मंदिर, किसी टूटे हुए मंदिर को बनते नहीं देखा है। पहली बार ऐसा है कि एक सनातनी मंदिर जिसको तोड़कर कोई और इबादत स्थल बना दिया गया था, उसकी जगह पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है, पुनः भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो निश्चित रूप से ये सारे सनातन समाज के लिए बहुत बड़े हर्ष का विषय है। और दिवाली जैसा इसको मनाया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में लगे हुए, हम घर घर जा रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, सभी मंदिरों में प्रातः 10 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा, भंडारा होगा, भजन होगा, शाम 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और अयोध्या के जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से मंदिरों में होगा। तो ये जो सारे मंदिर है दुर्ग भिलाई के वो और पूरे भारतवर्ष के वो केंद्र होंगे, अपने अपने घरों में नहीं, सुबह का समय पूरा मंदिर में आपको बिताना है और शाम 5 बजे के बाद अपने घर को दिवाली की तरह सजाना है, आतिशबाजी होनी है। बहुत बड़े हर्ष का विषय है और ये हमारी पीढ़ी जो देख रही है ये हमारी पीढ़ी के लिए गर्व का विषय है कि इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं। भैया इसमें एक सवाल और आ रहा है कि 22 तारीख को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, इसको लेकर के कुछ चंदे की बात आ रही है, कुछ लोगों द्वारा चंदा लिया जा रहा है, लेकिन वहीं शिकायतें ये भी मिल रही है कि कुछ अवैध रूप से चंदे के तौर पर उगाही कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन लोग अधिकृत हैं इसके लिए, ये बताइए। संतोष जी बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, आपने पूछा कि कौन अधिकृत है, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकृत नहीं, कोई भी व्यक्ति अधिकृत, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई संस्थान इस चीज के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए जनता द्वारा समर्पण राशि जो आम जन द्वारा वो 2 वर्ष पूर्व दी जा चुकी है, और ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि दोबारा किसी भी प्रकार की राशि का संग्रहण संचय नहीं हो रहा है, सारा समर्पण जो है वो आम लोग कर चुके हैं। आज अगर मंदिर के नाम से कोई आपसे पैसे मांग रहा है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, लोगों के पास फोन आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आप इतना दे दीजिए और आपको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सामने सीट दी जाएगी, आसन दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी और भिलाई में, दुर्ग में किसी भी कार्यक्रम को लेकर यदि आपसे कोई नगद राशि मांग रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि मंदिर के लिए समर्पण राशि लेने का काम आज से 2 वर्ष पूर्व संपूर्ण हो चुका है, और किसी भी प्रकार की राशि मंदिर निर्माण समिति द्वारा या संघ द्वारा या विश्व हिंदू परिषद द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशि मंदिर के नाम से अब नहीं ली जा रही है। तो ये चीज आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक जन सुन ले, जो भी राशि ले रहे हैं वो गलत लोग हैं और वो उनकी नियत ठीक नहीं है और उसका गलत उपयोग होगा उस राशि का, इसलिए ऐसे काम से बचे। अगर मंदिरों में भंडारा हो रहा है या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसके लिए कोई आपसे अनाज मांगता है, कोई सब्जी मांगता है, कोई इस प्रकार का सहयोग मांगता है तो निश्चित रूप से एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी प्रकार की राशि का संकलन या संचय मंदिर के नाम से नहीं हो रहा है।
भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अहम मुद्दे पर जिससे जनता थोड़ा सा भटक रही थी और वो सोच रही थी कि क्या करना है, आपने उनका मार्गदर्शन किया है। और एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।